हेलो एवरीवन वेलकम टू अ क्लास एफ ए वी सेकेंड सेमिस्टर कर रहे हैं टॉपिक है हमारा ब्रांच अकाउंट स्टॉक एंड डेटा मेथड करें वो भी कॉस्ट प्राइस वाला इसके पहले भी हमने स्टॉक एंड डेटा मेथड का कॉस्ट प्राइस का सम किया क्वेश्चन नंबर एट आज जो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर नाइन ब्रांच अकाउंट में दो मेथड है बच्चों डेटा मेथड और स्टॉक एंड डेटा मेथड इसके पहले डेटा मेथड के हमने ऑलरेडी सिक्स सम सॉल्व कर दिए हैं या आई बटन से आप चेक कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक है वहाँ चेक करें आज जो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर नाइन सो so, क्वेश्चन नंबर नाइन बोलता है एम गी एंटरप्राइजेज ऑफ पुणे हैज़ टू ब्रांच एट सोलापुर एंड कोल्हापुर फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर सोलापुर ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एच ओ अंडर स्टॉक एंड डेटा मेथड यहाँ पे उन्होंने मेथड क्लियरली बता दिया स्टॉक एंड डेटा मेथड है स्टॉक एंड डेटर मेथड में आपको बहुत सारे अकाउंट बनाने ब्रांच स्टॉक अकाउंट ब्रांच डेटर अकाउंट ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट एंड लास्ट में फाइनली ब्रांच पिनल अकाउंट और भी अकाउंट लगेंगे जिस जैसे जैसे अकाउंट लगेंगे वैसे जैसे अकाउंट हम और भी प्रिपेयर करेंगे यहाँ पे दो ब्रांच तो दिया हुआ है पुणे का पुणे हेड ऑफिस है हमारा सोलापुर कोल्हापुर इंफॉर्मेशन दिया है मगर उनका जो मेन क्वेश्चन है ये है तो टू प्रिपेयर सोलापुर ब्रांच अकाउंट तो सोलापुर ब्रांच अकाउंट में कितने अकाउंट बनेंगे उस सम के दौरान देखते हैं फिलहाल आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस में कैश एसेट है स्टॉक एसेट है डेटर एसेट है बैंक एसेट है मगर क्रेटर लाइबिलिटी है तो इस पर आपको ध्यान देना है ओपनिंग बैलेंस एसेट्स उनके रिस्पेक्टिव अकाउंट में चले जाएंगे डेबिट साइड मगर क्रेडिटर लाइबिलिटी है तो एक लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस बच्चों क्रेडिट साइड आता है तो क्रेडिटर अकाउंट में आपको क्रेडिट साइड लिखना है सब जगह आप बैलेंस ब्रॉड डाउन ही लिखोगे मगर ये चार में डेबिट साइड और क्रेडिटर के लिए क्रेडिट साइड क्लोजिंग बैलेंस भी उसी तरह से पास करना है मगर क्लोजिंग बैलेंस अपोजिट साइड होता है यानी एसेस का क्रेडिट जाएगा और लाइबिलिटी का डेबिट जाएगा तो यहाँ पे फिलहाल तो हमको ये समझ में आ रहा है भाई पांच अकाउंट तो क्लियर यहां पे नजर आ गए हमको पांच अकाउंट बनाने हैं और भी देख लेते हैं आगे ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर है गुड रिसीव फ्रॉम पुणे पुणे यानी एच है और ये सोलापुर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है यानी गुड्स आ रहा है हमारे पास तो स्टॉक अकाउंट में डेबिट साइड और गुड्स एंड टू ब्रांच एच के लिए आपको बनाना है जीएसटी बी अकाउंट यानी गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट तो स्टॉक अकाउंट डेबिट होगा और जीएसटी बी क्रेडिट होगा आप सोलापुर ब्रांच है तो एक और ब्रांच है पुणे का कोल्हापुर कोल्हापुर ब्रांच से भी आपके पास गुड्स आ रहा है तो आप कोल्हापुर कंसिडर नहीं कर सकते आपको एच ही कंसिडर करना पड़ेगा यानी और स्टॉक में तो आ रहा है हमारा तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट होगा तो कोलापुर पहले हेड ऑफिस के थ्रू होके आपके पास आ रहा है तो इसको भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा जीएसटी बी अकाउंट में क्रेडिट साइड देन लोकली बॉर्ड गुड्स आपने लोकली बॉर्ड गुड्स किया है एज अ ब्रांच आप गुड्स परचेज कर रहे हो और यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है बच्चों की कैश पे खरीदा गया क्रेडिट पे तो हमें अज्यूम करना पड़ेगा क्रेडिट ट्रांजेक्शन है यानी ब्रांच स्टॉक में गुड्स आ रहा है और ये क्रेडिटर के पास से आ रहा है तो ब्रांच स्टॉक डेबिट होगा और क्रेडिटर अकाउंट में क्रेडिट साइड क्योंकि ही इज अ गीवर नाउ उधार पे खरीदा हमने तो क्रेडिटर इज अ गीवर इसलिए क्रेडिट किया हमने फिर बच्चों पेमेंट टू क्रेडिटर अब यहाँ पे बच्चों हम क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं कैश और चेक के थ्रू यानी चेक की जगह आपको क्या बनाना पड़ेगा बैंक अकाउंट तो इसके भी दो इफेक्ट आएंगे एक तो क्रेडिटर को हम दे रहे हैं पैसा तो क्रेडिटर डेबिट होगा और कैश अकाउंट से हमारे पैसा जा रहा है यानी कैश अकाउंट क्रेडिट होगा वापिस आप क्रेडिटर का पेमेंट चेक के थ्रू कर रहे तो हो यानी क्रेडिटर तो डेबिट होगा और कैश के जगह पे आपको खाली क्या लिखना पड़ेगा बैंक अकाउंट यानी बैंक अकाउंट भी आपको यहाँ बनाना पड़ेगा और फिर रिसीव फ्रॉम डेटर है अब डेटर से पैसा आ रहा है कैश में भी आ रहा है चेक में भी आ रहा है तो डेटर तो यहाँ पे कीवर हो गया अब आपका कैश अकाउंट डेबिट होगा और सेकेंड में चेक यानी बैंक अकाउंट डेबिट होगा इसका ऊपर वाले का रिवर्स करना है आपको तो कैश अकाउंट डेबिट डेटर अकाउंट क्रेडिट और चेक के लिए बैंक अकाउंट डेबिट और डेटर अकाउंट क्रेडिट फिर क्रेडिट सेल्स है क्रेडिट सेल यानी आपका ब्रांच स्टॉक में से गुड्स निकल रहा है और ये गुड्स किसके पास जा रहा है कस्टमर यानी डेटर के पास तो डेटर डेबिट होगा और स्टॉक अकाउंट क्रेडिट होगा फिर एक कैश सेल्स कैश सेल्स में तो डेटर के पास गुड्स नहीं गया क्योंकि पैसा आ रहा है यानी और ब्रांच स्टॉक तो क्रेडिट होगा और कैश सेल्स यानी पैसा डायरेक्टली हमारे पास आ रहा है यानी आपको कैश अकाउंट में डेबिट करना पड़ेगा और ब्रांच स्टॉक अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ेगा फिर गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर यानी डेटर गुड्स रिटर्न कर रहा है स्टॉक अकाउंट में आ रहा है डेबिट और डेटर इज अ गिवर यानी क्रेडिट तो स्टॉक अकाउंट डेबिट और डेटर अकाउंट क्रेडिट नेक्स्ट इज गुड रिटर्न टू पुणे एच ओ को हैं हम लोग जीएसटी बी अकाउंट यूज होगा और गुड्स जा रहा है यानी ब्रांच स्टॉक में से गुड्स जा रहा है जीएसटी बी के पास डेबिट होगा स्टॉक अकाउंट क्रेडिट होगा फिर ए गुड सेंट टू कोलहापुर ब्रांच अगेन को ब्रांच बोला तो है अच्छी बात है मगर यहाँ पे भी आपको जीएसटी भी ही लिखना पड़ेगा यानी सेम एंट्री होगी जीएसटी भी डेबिट होगा और स्टॉक अकाउंट क्रेडिट होगा फिर एक्सपेंस पेड एट ब्रांच बाय चेक अब यहाँ पे एक्सपेंस जो हो रहा है वो आपका पेमेंट थ्रू कर रहे हैं आप लोग बैंक चेक के थ्रू यानी बैंक अकाउंट तो बच्चों यहाँ पे एक्सपेंस अकाउंट हम नहीं बनाएंगे क्योंकि एक्सपेंस के एक ही एंट्री आ रही है तो एक्सपेंस के और एक्सपेंस डायरेक्टली

यानी बच्चों जो भी कैश का बैलेंसिंग फिगर होगा वो बैलेंस आप ट्रांसफर करोगे ब्रांच बैंक अकाउंट में और फिर लास्ट में अमाउंट ट्रांसफर टू पुणे यानी ब्रांच एच ओ को कितना रेमिट कर रहा है वो इंफॉर्मेशन भी नहीं दिया हुआ है इसका मतलब है ये बैंक अकाउंट जब आप नेक्स्ट जो बैंक अकाउंट बंद करोगे बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट वो आप रेमिट करोगे एच ओ को तो ये दोनों क्वेश्चन मार्क इस तरह से आप ढूंढेंगे होब सो क्वेश्चन समझ में आओ अब हम चलते हैं सोल्यूशन की तरफ बहुत सारे अकाउंट बनाने हैं तो सबसे पहले हमारा तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट रहता है क्वेश्चन यहाँ ले ले पहले पहले ब्रांच स्टॉक अकाउंट बना दे ब्रांच स्टॉक अकाउंट में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस से शुरू करते हैं स्टॉक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस बच्चों देखो दस हज़ार यहाँ लिखे और क्लोजिंग बैलेंस है स्टॉक का अठारह क्लोजिंग बैलेंस यहाँ लिख लें अब देखते हैं स्टॉक अकाउंट कहाँ का है क्यों अब स्टॉक अकाउंट बना रहे हैं तो हम पूरे समय सिर्फ स्टॉक अकाउंट को देखेंगे तो पहला स्टॉक अकाउंट डेबिट हो रहा है चालीस से तो डेबिट साइड लिखे चालीस हज़ार फिर वापिस से डेबिट हुआ तीन हज़ार से एक तो एच से आया था एक कोल्हापुर ब्रांच से आया था एनी और जीएसटी भी अकाउंट ही यूज़ होगा फिर लोकली बॉड गोज था यहाँ पे भी स्टॉक डेबिट हुआ था मगर सेकेंड इफेक्ट क्रेडिटर अकाउंट में तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा ब्रांच क्रेडिटर छः हजार छः सौ फिर स्टॉक नज़र आ रहा है हमें यहाँ क्रेडिट सेल्स में स्टॉक अकाउंट क्रेडिट हुआ बीस हज़ार से यहाँ लिखे क्रेडिट साइड में बाय ब्रांच डेटर अकाउंट ट्वेंटी थाउजेंड अपोजिट अकाउंट का नाम लिखना है इसको याद रखते रहना आपको फिर अगला स्टॉक नज़र आता है हमें कैश सेल्स के लिए पचास हजार यहाँ लिख दे ब्रांच कैश अकाउंट पचास हजार फिर अगला स्टॉक था रिटर्न बाय कस्टमर गुड्स हमारे पास आ रहा है यानी स्टॉक अकाउंट डेबिट पाँच से यहाँ लिखे और अगला स्टॉक है बच्चों रिटर्न का यहाँ पे देखो बच्चों दो बार रिटर्न है आप एच को भी रिटर्न करो कोल्हापुर को भी रिटर्न करो इसलिए स्टॉक अकाउंट क्रेडिट था छह हजार से तो एक साथ लिख सकते हैं हम लोग इसको बाय गुड सेंट टू ब्रांच अकाउंट रिटर्न टू तो एच ओ रिटर्न टू तो कोल्हापुर चार और कोई स्टॉक अकाउंट नहीं है यानी आप स्टॉक अकाउंट आप क्लोज कर सकते हो बच्चों और स्टॉक अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर हमेशा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस होगा फिलहाल क्रेडिट साइड बढ़ा है तो क्रेडिट साइड का टोटल दोनों साइड लिखे नाइन्टी एट थाउजेंड ऐसे डेबिट को माइनस करें तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट यानी ब्रांच पी एन एल में ट्रांसफ़र करना है आपको थर्टी थ्री फोर हंड्रेड तो जो हम लास्ट में ब्रांच पी एन एल बनाते हैं वहां पर यह ट्रांसफर होगा इसको याद रखना क्रेडिट साइड अब हमारा नेक्स्ट अकाउंट बना लेते हैं जी एस टी बी अकाउंट जी एस टी बी अकाउंट चेक कर लेते हैं जी एस टी बी का पहला एंट्री क्रेडिट है दूसरा एंट्री भी क्रेडिट है चालीस हज़ार और तीन हज़ार से तो क्रेडिट साइड लिखे चालीस हज़ार और तीन हज़ार और जीएसटी भी कहाँ है और जीएसटी भी देखो यहाँ पे आ रहा है दो एंट्री यहाँ पे भी है और जी भी डेबिट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ब्रांच ने हमें रिटर्न किया था इसलिए जीएसटी भी डेबिट छः हज़ार से और चार हज़ार से तो सिक्स थाउजेंड फोर थाउजेंड यहाँ लिख लें और कोई जीएसटी भी नहीं है यानी जीएसटी भी बंद करें जीएसटी भी का बैलेंसिंग फिगर या तो परचेज या तो ट्रेडिंग होता है फिलहाल क्लोज करते हैं पहला फोर्टी थ्री दोनों साइड लिखते हैं इसको टेन थाउजेंड माइनस के यानी थर्टी थ्री थाउजेंड आप परचेस अकाउंट भी लिख सकते हो आप ट्रेडिंग अकाउंट भी लिख सकते हो जीएसटीबी के बैलेंसिंग फिगर के लिए तो पहले सब में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर एट मैंने किया था वहां पर ट्रेडिंग अकाउंट लिखा है यहाँ पे आप मैंने परचेस अकाउंट लिखा है तो दोनों ही राइट है बच्चों आप दोनों कोई भी फिगर लिख लें और इसका कहीं ट्रांसफर करने की ज़रूरत नहीं है इसको यहीं पे ख़त्म करेंगे अगला अकाउंट की तरफ चलते हैं अगला अकाउंट क्या बनाएंगे बच्चों ब्रांच डेटर अकाउंट आप देखो अकाउंट कोई भी कोई भी ऑर्डर में बना सकते हो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है हाँ ब्रांच स्टॉक अकाउंट पहले बनाना और ब्रांच पी एन एल अकाउंट लास्ट में बनाना इसको याद रखना आपको एनी और डेटर अकाउंट बना रहे हैं तो डेटर अकाउंट का पहला ओपनिंग बैलेंस ले ले ट्वेंटी फोर थाउजेंड फिर क्लोजिंग बैलेंस ले ले एट थाउजेंड अब चेक करते हैं डेटर से रिलेटेड एंट्री कौन सी कौन सी थी हमारी यहाँ पे पहला था रिसीव फ्रॉम डेटर बारह हज़ार तो डेटर अकाउंट क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट साइड लिखेंगे बारह हजार और कहा गया था ब्रांच कैश में अपोजिट साइड अकाउंट का नाम लिखना है उसको याद रखना आपको फिर अगला डेटर था हमारा बैंक वाला अठारह हजार ये भी क्रेडिट साइड है तो ब्रांच बैंक अकाउंट अठारह हजार लिख लें फिर अगला डेटर आता है क्रेडिट सेल्स के बारे में तो यहाँ पे डेटर अकाउंट बच्चों डेबिट हो रहा है बीस हजार तो डेबिट साइड लिखें बीस हजार फिर अगला ब्रांच डेटर आता है पाँच हज़ार क्रेडिट में रिटर्न वाला था तो क्रेडिट साइड लिख दें बाई ब्रांच स्टॉक अकाउंट फाइव थाउजेंड रिटर्न कर दें और कोई डेटर नहीं है यानी अब डेटर अकाउंट को अब क्या करेंगे हम क्लोज कर देंगे तो डेटर अकाउंट का डेबिट साइड ही बड़ा है फोर्टी फोर थाउजेंड दोनों साइड लिखें इसको क्रेडिट साइड से माइनस करेंगे बेसिकली देखो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए था डेटर का मगर ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ आठ हज़ार तो अब बैलेंसिंग फिगर बच्चों क्रेडिट साइड आ रहा है तो या इसको आपको एज्यूम करना पड़ेगा क्या आप नाम देंगे इसको देखो मेन एंट्री होती है ओपनिंग क्लोजिंग कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है तो अब यहां पे आपको एक नाम देना पड़ेगा क्योंकि बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में आने वाला है या तो डिस्काउंट या तो बैड डेट ये आपके ऊपर है तो मैंने नाम दिया इसको डिस्काउंट और डिस्काउंट की एंट्री हम कहा शिफ्ट करते हैं बच्चों ब्रांच पी एन एल अकाउंट में तो ये आपके ऊपर है आप डिस्काउंट भी बोल सकते हो बैड डेट भी बोल सकते हो ये क्रेडिट में आ रहा है इसलिए हमने इसको नाम दिया डिस्काउंट का और चार एंट्री हमेशा पहली होनी चाहिए उसके बाद फिर आप बैलेंसिंग फिगर कुछ और नाम देंगे फिर से बता दो तो ओपनिंग बैलेंस कंपलसरी है क्लोजिंग बैलेंस कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स तो ये चारों ऑलरेडी दिया था इसलिए मैंने इसको नाम दिया ब्रांच पीएनएल अकाउंट ठीक है तो यानी जब ब्रांच अकाउंट बनाएंगे ये हजार रुपया आप ब्रांच पीनल में शिफ्ट करेंगे इसको भी आपको याद रखना है तो दो एंट्री होगी ब्रांच पीएनएल की ग्रॉस प्रॉफिट जो ब्रांच स्टॉक अकाउंट से आया और यहाँ से आपको डिस्काउंट भी शिफ्ट करना है तो इस तरह से डेटर अकाउंट भी मुकम्मल हुआ अब अब नेक्स्ट अकाउंट बना लेते हैं ब्रांच क्रेडिटर अकाउंट यानी क्रेडिटर का पहला ओपनिंग ले ले 2000 हजार लाइबिलिटी है यानी क्रेडिट साइड लिखेंगे और क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस है हजार लाइबिलिटी है इसीलिए डेबिट साइड लिखेंगे और क्रेडिटर से रिलेटेड एंट्री आपकी पहले आई थी लोकल गुड्स बॉट किए थे हमने क्रेडिटर से क्रेडिट साइड में लिखेंगे छः हजार छः सौ और क्रेडिटर को आपने पेमेंट किया था कैश से और चेक से उसकी भी एंट्री पास कर दे छः सौ सात हजार तो छः सौ ब्रांच कैश से और सात हजार ब्रांच बैंक अकाउंट से और कोई एंट्री नहीं है क्रेडिटर की क्वेश्चन में तो आप इसको भी बंद कर सकते हैं आप Uh, 8600 हज़ार देखो दोनों साइड टैली हो रहा है यानी इसके अंदर कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं आने वाला टैली फिगर यहीं भी खत्म कर देते हैं तो इस तरह से ये अकाउंट बन गया हमारा और अकाउंट बाकी है ब्रांच कैश ब्रांच बैंक अगले पेज पे बना लेते हैं उसको यहाँ पे याद रखो बच्चों थर्टी थ्री फोर हंड्रेड ब्रांच पी में जाएगा क्रेडिट साइड और ये हज़ार एज अ डिस्काउंट ब्रांच पी में डेबिट साइड ये दो एंट्री हमको लगने वाली इसको याद रखना आपको तो अब चलते हैं अगला अकाउंट बना लेते हैं पहले बना लेते हैं क्वेश्चन ले ले पहले यहाँ पे फिर बना लेते हैं ब्रांच कैश कैश के बारे में पहला ओपनिंग बैलेंस कैश का चार हजार डेबिट में फिर क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में अब देखते हैं ब्रांच कैश कहाँ कहाँ था हमारा ब्रांच कैश सबसे पहले यहां नजर आया था मुझे यानी क्रेडिट साइड में लिखना है छह सौ रुपया आपको और ब्रांच कैश नज़र आया था डेटर में डेबिट साइड लिखना है बारह हज़ार आपको यहाँ लिखना है डेटर से आया था हमें और नेक्स्ट ब्रांच कैश देख लेते हैं और कोई नज़र आ रहा है बच्चों आपको कैश सेल्स में नजर आ रहा है पचास हज़ार ये भी डेबिट में ये भी यहाँ लिख लेते हैं तो आफ्टर फिफ्टी थाउजेंड और कोई ब्रांच कैश नज़र नहीं आ रहा है यानी कैश अकाउंट बंद करना पड़ेगा आपको और कैश अकाउंट बंद करेंगे तो बच्चों देखो लास्ट में क्या बोला था कैश डिपोजिट टू बैंक यानी जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो ब्रांच बैंक अकाउंट में जाएगा तो इसमें डेबिट साइड बड़ा है डेबिट साइड का टोटल दोनों साइड लिख दें 66 इससे माइनस कर दें ये दोनों को यानी 6000 को माइनस करें यानी साठ हजार आपका बैलेंसिंग फिगर आया और ये बैलेंसिंग फिगर जाएगा ब्रांच बैंक अकाउंट में अपोजिट साइड यानी डेबिट साइड ठीक है ब्रांच अकाउंट बनाएंगे तब देख लेते हैं तो इस तरह से कैश अकाउंट भी बन गया अब बना लेते हैं ब्रांच बैंक अकाउंट पहला ओपनिंग क्लोजिंग कर लें ओपनिंग फोर्टीन यहाँ लिख लें डेबिट में क्लोजिंग ट्वेल्व यहाँ लिख लें क्रेडिट में अब ब्रांच बैंक अकाउंट की भी एंट्रियाँ देख लें कहाँ कहाँ थी हमारे पास पहली एंट्री थी क्रेडिटर को आपने पेमेंट किया सात हज़ार का आपको डेटा से पैसा मिला अठारह हज़ार वो यहाँ लिख लें और कहीं है ब्रांच बैंक अकाउंट ये रहा क्रेडिट में एक्सपेंस के बारे में नौ हज़ार छः सौ वो भी यहाँ लिख लें क्योंकि इसका सेकेंड इफेक्ट ब्रांच पी में जाएगा इसलिए ब्रांच पीएनएल लिखे यहाँ पे और कोई एंट्री नहीं है अब ये जो बैलेंस यहाँ पे आया था कैश का वो लिख लें साठ हजार यहाँ पे अपोजिट साइड नाम याद रखो बच्चों पर्टिकुलर में अपोजिट अकाउंट का नाम लिखते जाना है ठीक है जैसे ये साठ हजार यहाँ पे ब्रांच बैंक लिखा है तो यहाँ पे हमने ब्रांच कैश लिखा है तो नाम बहुत सिंपल है नाम के लिए हेडिंग मत लो आप खाली साइड देखते जाओ डेबिट में लिखना है या क्रेडिट में लिखना है थोड़ा लेंदी जरूर है मगर बहुत सिंपल है स्टॉक एंड डेटर मेथड अब ब्रांच बैंक अकाउंट को बंद कर लें डेबिट साइड बढ़ा नाइन्टी टू थाउजेंड दोनों साइड लिखें नाइन्टी टू थाउजेंड से आपका क्रेडिट साइड को माइनस करें तो आपका बैलेंसिंग फिगर आता है सिक्सटी थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड और ये अमाउंट आपको रेमिट करना था एच को तो हम रेमिट कर देंगे एच को यहाँ लिखेंगे बाई कैश एंड बैंक अकाउंट क्योंकि एच के लिए कोई स्पेशल अकाउंट है ही नहीं तो डायरेक्टली आप पेमेंट करो इसलिए कैश बैंक अकाउंट लिखेंगे आप सिक्सटी तो ये एंट्री यहीं पर मुकम्मल हुई खत्म करते हैं अब हमारा लास्ट अकाउंट है ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो बना लेते हैं ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्वेश्चन में से तो मेरे ख्याल से एक ही एंट्री थी ये वाले वाली एक्सपेंस वाली नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड वो यहाँ लिख लें और इसके बाद जो एंट्री थी आपको ब्रांच स्टॉक में ग्रॉस प्रॉफिट आया तो वो यहाँ लिखेंगे हम लोग और फिर ब्रांच डेटर अकाउंट में एक बैलेंसिंग फिगर हमने निकाला था हज़ार रुपये का वो लिखे एज अ डिस्काउंट ब्रांच पी में और कोई एंट्री है ही नहीं तो यानी इसको भी बंद कर सकते हैं थर्टी थ्री थाउजेंड दोनों साइड लिखें इसको टेन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड डेबिट के टोटल से माइनस करें तो आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू तो पी एन एल ट्वेंटी टू थाउजेंड एट हंड्रेड तो इस तरह से हमने स्टॉक एंड डेटर मेथड का कॉस्ट वाला मेथड के सेकंड सम भी मुकम्मल कर दिया सम थोड़ा लेन है मगर बच्चों बहुत सिंपल है आपको खाली इफेक्ट याद रखने हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टॉक एंड डेटर मेथड का इनवॉइस प्राइस पे सम करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग हमारा नेक्स्ट फाइनल चैप्टर कंसाइनमेंट अकाउंट पे स्टार्ट करेंगे होप्स सो यहाँ तक कोई डाउट न हो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गॉड ब्लेस यू